हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग्स। तो आप आज का वीडियो में फिर से एक नया वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में जानिएगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अच्छे अच्छे वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस के लिए नर्सिंग रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू में बताऊँगी रांची नगर निगम में पोस्ट निकला हुआ नया, मतलब 99 टोटल पोस्टेड है वैकेंसीज में निकला हुआ है, इसके ही बारे में कि सिलेक्शन कैसे होगा, प्रोसेस कैसे है या इसका फ़ी कितना है फॉर्म अप्लाई करने का, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए लेट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर से एक पुर्जा पत्री में लिख लिया है क्योंकि मुझे उतना याद तो नहीं रहेगा ना कि कहाँ क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या पोस्ट में वैकेंसी निकला है और कौन से कैटेगरी में कितने कितने सीट का है और कितना फ़ी है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी और कैसे इसमें मतलब प्रोसेस है जाने का, इंटरव्यू के थ्रू या तो फिर एग्जामिनेशन के थ्रू। तो सबसे पहले बात होता है ये वॉक एंड इंटरव्यू के थ्रू इसमें जाने का है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं एक एक करके इसके पोस्टेड। तीन पोस्ट में ये है निकला हुआ, एक मेडिकल ऑफिसर पोस्ट है, स्टाफ नर्स और MPW, ये तीन पोस्ट में वैकेंसी निकला है। तो मेडिकल ऑफिसर्स का जनरल में आपका 13 सीट है, EWS पे 3 सीट है, ST में 12 सीट है, SC में 2 सीट है और BC1 में 1 सीट है, BC2 में 1 सीट है, मतलब टोटल 33 सीट हो गया। वैसे ही स्टाफ नर्स में भी सेम डिवीज़न है और MPW में भी सेम डिवीज़न है, मतलब ऐसे ही जनरल में 13, EWS में 3, ST में 12 और ऐसे करके टोटल 33 सीटेड है आपके। तो अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपका और कितना कितना आपका सैलरी होगा, मतलब मिलेगा ये सारा कुछ। तो और कितना सर्विस टाइम, मतलब आपको कितना देर तक ड्यूटी करना है और कितना एग्जामिनेशन फी है, ये सारा कुछ आपको बताएं। तो मेडिकल ऑफिसर का जो है उसका क्वालिफिकेशन आपका MBBS प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप चाहिए, जिसमें आपका सैलरी होगा 63,000 और सर्विस टाइम का बात करें तो 9 AM टू 5 PM और अगर इसका एग्जामिनेशन फी आपका 1,000 है। सेकेंड नंबर स्टाफ नर्स का आता है, जिसमें GNM प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इसका सैलरी है 16,564 रुपीज़ और इसका भी सर्विस टाइम है 9 AM टू 5 PM और इसका एग्जामिनेशन फी है 500। थर्ड में आते हैं MPW, ये सिर्फ मेल के लिए है, जिसमें 10 प्लस 2 मतलब 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और इसका सैलरी है 11,466 रुपीज़, इसका भी सर्विस टाइम 9 AM टू 5 PM है और एग्जामिनेशन आपका 5। और ये सारा कुछ वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ही होगा, मतलब ओनली इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन मतलब वॉक इन इंटरव्यू है वो कौन कौन से डेट में है। तो सबका अलग अलग डेट है, मतलब तीनों का अलग अलग डेट में। मेडिकल ऑफिसर का आपका 5 अगस्त 2024 है, जिसका 10:30 AM से स्टार्ट होगा सुबह और वही 5 PM तक में भी चलेगा, इसमें कुछ नोटिस इतना नहीं लिखा हुआ, बस 10:30 लिखा हुआ है। और स्टाफ नर्स के बारे में बोले तो इसका 6 अगस्त 2024 है, इसका भी सेम लिखा हुआ 10:30 ऑनवर्ड्स। और 3 में आता है आपको MPW जो मेल के लिए, ये 7 अगस्त 2024, इसका भी 10:30 AM ऑनवर्ड्स लिखा हुआ। और अगर इससे ज़्यादा कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस साइट पे जाके पता कर सकते हैं, www.RanchiMunicipal.com पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। और अगर वेन्यू के बात करें कि वेन्यू कहाँ पे है, तो इसका 8th फ्लोर रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस बिल्डिंग नंबर कुछ चौक रांची, मतलब यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपका
मतलब होगा इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, तो फटाफट जाइए और इंटरव्यू दीजिए और जॉब लीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।